हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज किरो बस। आई होप यू गाइस आर गुड। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, पैरामीटर और आर्गुमेंट पास डिस्कस किया था, तो उससे पहले वीडियो में हमने फंक्शन शुरू किया था, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने की थी। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा था, पासिंग इन्फॉर्मेशन पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो हमने यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास किए थे, पैरामीटर्स दिए थे, लास्ट वीडियो जाके आप देखें, पूरी एक कंप्लीट मैंने डिस्कशन की है इसके ऊपर। उसके बाद पासिंग इन्फॉर्मेशन कीवर्ड आर्गुमेंट भी आपने देखा, तो ये सारे आपने। उसके बाद हमने एक कैलकुलेटर भी बनाया था सिंपल सा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पे गाइस मैंने मेंशन भी किया था कि ये जो डिवीजन का साइन है ये आप सही कर लें। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ ताकि इसमें कोई एरर ना रहे। 0.5 इसका आंसर आ गया। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा जो मैं बता रहा हूँ कि पैरामीटर की बात की थी, कॉलिंग ऑफ फंक्शन के वक्त आर्गुमेंट की बात की थी। हमने आर्गुमेंट में दो बातें सीखी, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट। तो अब हम करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर। जब यहाँ पैरामीटर आया है तो ज़ाहिर बात है कि हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करेंगे। तो किस तरह हम इसको ऊपर में गाइस यहाँ पे दे भी देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का टॉपिक को हाईलाइट कर दिया। तो फंक्शन डेफिनेशन में हमने दो बातें सीखी थी कि पैरामीटर होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि पैरामीटर को फिर नीचे फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको हम आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, ये बात हमने जहन में बिठा देनी। तो गाइस क्या होता है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते थे, सपोज के फंक्शन डिफाइन आप कर रहे थे लास्ट एड, तो उसके अंदर आप वैल्यू वन पास कर रहे थे और उसके बाद आप वैल्यू टू, यहाँ पे पैरामीटर जो था आपका वेरिएबल पास कर रहे थे आप पैरामीटर में। ये फंक्शन डेफिनेशन में हम पैरामीटर की बात करते हैं। उसके बाद आपने प्रिंट किया था, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ऐड को कॉल करते वक्त यहाँ पे आपने उसको पोजिशनल आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास की थी। सपोज अब क्या करते हैं गाइज हम, कि अगर मैं कोई इसमें वैल्यू पास भी नहीं करता तो क्या ये फंक्शन हमारा काम करेगा? तो यहाँ पे आप देखें उसमें वो बता रहा है कि मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अब हम गाइज क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हम पहले से ही उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे आप दे दें इसको, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपने यहाँ पे दे दिया। अब आप देखें कि आपको वहाँ पे 5 मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किए, लेकिन पैरामीटर आपने पैरामीटर में क्या किया कि वेरिएबल को वैल्यू दे दी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। जब भी हम गाइस क्या करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे वैल्यू वन वैल्यू टू को, तो वो उसको हमें करके दे देगा। नीचे आप अगर क्या करते हैं कि जितने भी बनाते हैं आप डेफिनेशन, आप क्या करते हैं सब का बनाते हैं फंक्शन, जितने भी फंक्शन आप बनाते हैं उसमें आप इसी तरह की वैल्यू वन और वैल्यू टू में जो पहले डिफ़ॉल्ट आपने रखे होंगे तो वो नीचे उनको सब्ट्रैक्शन भी करेगा, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी बना दे, तो ये सारा काम करेगा क्योंकि आपने ऊपर इसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में उसको वैल्यू पास की थी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल से मैं आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप किस तरह कर सकते हैं। सपोज के आप फंक्शन डिफाइन करें और यहाँ पे इन्फो दे दें, और इसमें मैं गाइस क्या करता हूँ कि नेम वन कर देता हूँ, मैं नेम टू कर देता हूँ, नेम थ्री कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जनाब मैं नेम वन और नेम टू इनको मैं प्लस कर देता हूँ, कंकैटिनेट कर देता हूँ, कंकैटिनेशन में इनकी कर देता हूँ। यहाँ पे आपने कंकैटिनेशन कर दी
उसके बाद यहाँ आप इसको कॉल करवा दें इस फंक्शन को। अब आप यहाँ पे देखें कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे गाइस क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम तो आपने यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया आपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम भी आपने दे दिया, सेकंड नेम मैं दे देता हूँ, और थर्ड नेम मैं क्या करता हूँ गाइस कि डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर में पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ कि यहाँ पर जी मेरा डिफ़ॉल्ट आ गया। अब मैं जब रन करूँगा तो आप देखें कि मेरा क्या आंसर आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तुकीर अब्बास खान, तो उसने पोजिशनल आर्गूमेंट में यहाँ पे देख लिया। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे ना दें और फिर आप इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखें कि इन्फो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, यहाँ पे हमारे पास पोजिशन में हमने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे हम देंगे तो फिर तो ठीक है कि भाई आपने ऊपर दे दिया, नीचे उसको आर्गूमेंट पास कर दिए, ये तो वही पोजिशनल आर्गूमेंट्स हो गया। अगर आपने यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं दिया तीसरा, और आप इसमें डिफ़ॉल्ट में इधर दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट में दे दिया तो फिर आप रन करेंगे, आप आपको यहाँ पे तुकीर खान दे देगा। उसके बाद गाइस आप क्या करते हो कि नेम टू में, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि नेम थ्री में नहीं दिया और नेम टू में आप दे देते हो। अच्छा, दूसरी बार नेम टू में आप दे देते हो कि खान, नेम थ्री आपने नहीं दिया। अभी आप देखें पे आप देखें फिर भी आपका नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फॉलो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे जब मैंने गाइस फर्स्ट का पास किया, नेम टू मैंने उधर दे दिया तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर नेम थ्री का पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नेम टू पे मैंने, ये नेम टू पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने दे दिया आर्गूमेंट, यहाँ पे भी नेम टू को पास कर दिया, इसलिए उसको डिफ़ॉल्ट शो करवा रहे। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, सपोज गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है कि जनाब मेरा तुकीर अब्बास बीच में आ जाए और खान लास्ट में मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गाइस, ये नेम थ्री मैं कर देता हूँ और नेम टू आपने यहाँ पे रख देना, नेम टू यहाँ पे दे देना आपने। अभी आप देखें आपका क्या आंसर आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम टू में गाइस मैंने डिफ़ॉल्ट रख दिया था कि उसमें स्पेस मैंने रख दी थी, यहाँ पे उसने स्पेस दी और अब्बास को यहाँ पे कर दिया। जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट देते हैं, पैरामीटर देते हैं, तो उसको आप लास्ट में लिखा करें, हमेशा लास्ट में देंगे और वो यहाँ पे हमें देखें आप शो भी करवा दिया कि नेम थ्री लास्ट में हमारा अब्बास क्या कर दिया उसने अब्बास, और मिडल में हमारा जो नेम टू था उसको स्पेस छोड़ दी। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ, खान करता हूँ डिफरेंस मालूम करने के लिए, और यहाँ पर मैं अब्बास करता हूँ जिस तरह मैंने लास्ट वो उसमें दिया था। यहाँ पे आप देखें तो तुकीर अब्बास खान यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट है गाइस हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का, ये होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। छोटी सी वीडियो थी और इसके बाद हम गाइस आगे देखेंगे, और भी पैरामीटर्स आएंगे इसमें, आर्गूमेंट्स आते हैं हमारे पास, जो एक होता है ऑप्शनल हमारे पास होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वो वीडियो लंबी नहीं करते।